हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको बिहार का एक इंजीनियरिंग कॉलेज को विजिट कराना चाहेंगे। ये बिहार के पटना ज़िले में ही पड़ता है। ये कॉलेज का नाम आप देख सकते हैं, बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है। हिंदी में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय बख्तियारपुर। अभी हम कॉलेज में इंटर हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। इस कॉलेज का ये कैंपस, अभी इस कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, जिसका सेशन 23 से लेकर 27 तक होंगी। बीटेक में एडमिशन के लिए हो रही हैं। अभी इस कॉलेज में एक और कॉलेज की हो रही है पढ़ाई, जो कि बक्सर इंजीनियरिंग कॉलेज की हो रही है। उसका भी बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हुआ है, सो इसलिए इस कॉलेज में उसकी भी पढ़ाई अभी चल रही है। अभी इस कॉलेज में एडमिशन हो रही है। आप यहाँ के अंदर के कैंपस देख सकते हैं। एक मेरे भगना का एडमिशन दिलाना था, तो उसी के साथ आए हुए थे, आप देख सकते हैं। बहुत ही इसका एडमिशन प्रोसेस कम रहता है। आप यहाँ के कैंपस की सुंदरता को देख सकते हैं, बहुत ही व्यू नज़ारा है बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इस कॉलेज की शुरुआत 2016 में ही हो गई थी, और यह कॉलेज BCEC के अंतर्गत साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिहार गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंडर ये संचालित होते हैं। ये सब सारे कॉलेज AICTE से अप्रूव होते हैं। और यहाँ के अंदर की कैंपस आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरह से सजाया गया हुआ है, फूल पौधों के माध्यम से, और छोटे छोटे आप पार्क भी देख सकते हैं। अब आपको बिहार में भी अच्छे से अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ के बिहार गवर्नमेंट की सरकार की ये ड्रीम थी कि हमारे स्टेट में सभी डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छे से अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, ताकि बिहार के बच्चों को इंजीनियरिंग करने के लिए किसी दूसरे स्टेट में नहीं जाना पड़े। और धीरे धीरे आप देख सकते हैं, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज बन ही चुके हैं, और जहां नहीं बन रहे वहां बन रहे हैं। और यहां की आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, धीरे धीरे सारे डेवलप हो जाएंगे। और फिर आपको बिहार में ही अच्छे से अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज देखने को मिल जाएंगे। ऐसे बिहार में सबसे टॉप पर अभी IIT पटना है इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसके बाद NIT, उसके बाद ही सारे बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देख सकते हैं, यहाँ पर सारे फैसिलिटी दिए गए हैं। यहाँ पर स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराई गई हुई है। और यहाँ का आप अंदर का कैंपस का नज़ारा देख सकते हैं, कितने अच्छे से यहाँ पे बनाया गया है। लगभग बिहार के सारे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज आप देख सक पता करेंगे तो सारे अच्छे से एकदम बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज, साथ में बिहार के सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज भी। और यहाँ के हॉस्टल भी देख सकते हैं, सारे हॉस्टल सुविधा से उपलब्ध हैं। बॉयज़ हॉस्टल 1 आप देख सकते हैं, कितने अच्छे से 3-4 फ्लोर के हैं, 4 तल्ले हैं। और यहाँ पर बॉयज हॉस्टल नंबर 2 देख सकते हैं। और इस हॉस्टल में साथ में मेस की भी सुविधा उपलब्ध रहती है। और इस बिहार के सारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में सिर्फ रहने का नाम मात्र पैसा लगता है, और जो भी पैसा लगता है आपको सिर्फ यहाँ की खाने की पैसा, मेस की मतलब सुविधा के पैसे लगते हैं। और यहाँ पर आपके आगो
लेकर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंसिपल का क्वार्टर भी है और उसके आगे आप देख सकते हैं सारे यहाँ के फैकल्टी स्टाफ के जो भी जो लोग रहते हैं उन लोग के लिए भी क्वार्टर उपलब्ध कराया गया हुआ है, आप देख सकते हैं। सारे पेड़ पौधे भी लगाए गए हुए हैं जो कि सुंदरता और बढ़ जा रही है। और यहाँ पर हम आपको आगे लेकर चलते हैं जो कि ये गर्ल्स हॉस्टल है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, जो अभी बनने की प्रक्रिया में आगे जाके ये भी बन कर तैयार हो जाएंगी और प्लेग्राउंड भी बनने की प्रक्रिया में वो भी बन कर तैयार हो जाएंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, शाम का टाइम है इसलिए सब स्टूडेंट कुछ कुछ खेल रहे हैं। और यहाँ पे आगे देख सकते हैं एक और हॉस्टल है बॉयज़ के लिए, बॉयज़ के लिए लगभग यहाँ पर 3 हॉस्टल उपलब्ध हैं। कॉलेज बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है जो कि पटना से आपको बताएं 40 से या 45 या 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और जैसे ही आप यहाँ पर बख्तियारपुर जंक्शन आते हैं वहाँ से मात्र डिस्टेंस 6-7 किलोमीटर है, वहाँ से आप ऑटो से आ सकते हैं, 10 रुपये का भाड़ा देखकर आप आ सकते हैं। और ये इसका लोकेशन थोड़े गांव साइड में जो कि अच्छा है, धीरे धीरे यहाँ के एरिया भी इस कॉलेज की वजह से डेवलप हो जाएंगे। और देख सकते सारे बिल्डिंग कितने अच्छे से बनाया गया हुआ है, धीरे धीरे सारे डेवलप्ड हो जाएंगे। और इधर पार्किंग के लिए भी व्यवस्था है, आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं, बाइक पार्क कर सकते हैं। धीरे धीरे सारे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और भी डेवलप हो जाएंगे सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के। यहाँ की कैंपस का नज़ारा ले सकते हैं, यहाँ पे गार्ड रूम है मेन फ्रंट पर। यहाँ का सबसे अच्छा फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है सबसे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको हम सारे कॉलेज का विजिट करा दिए हैं, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा।